हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यु आई सो मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ एंड अभिमन्यु आई की इस नोवल पहल दैट इज़ अभ्यास 2.0 में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ सो so, अभ्यास 2.0 अभिमन्यु आई का वो इनिशिएटिव है जिसके थ्रू तो अभिमन्यु आई आपकी हेल्प करना चाहता है आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रिलिम्स एग्जाम्स की रिविज़न में राइट तो so, रिविजन के लिए आपके ये जो है सेशन लाए जाते हैं एंड काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिवली इनमें कवर किया जा रहा है जो प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आज हमारा जो सेशन है दैट इज़ हरियाणा के ट्वेंटी जो प्रिलिम्स हैं हमारा उसके लिए करेंट अफेयर्स का सेशन राइट सो पी बेस्ड जो है हम मोस्टली अपने एम जो है आपके लिए लेके आते हैं ठीक है थीके? जो भी पी में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहती है इन एम में हम उन्हीं को कवर करते हैं ठीक है डायरेक्टली सो so, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है ये एम सी सेशन है तो आज हमारा है सेशन नंबर फोर आज के जो हमारे मेजरली करंट अफेयर्स हैं राइट इससे पहले हमने तीन सेशन में अक्टूबर के काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारी न्यूज़ रही थी उनको टारगेट किया था और आज हम जो है नवंबर मंथ की जो पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको कवर करने वाले हैं राइट सो जरूर जो है आपको क्या करना है इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक डू शेयर सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कैन रिवाइज एफर्टलेसली ठीक है दैट टू विद पैटर्न ऑफ द एच सी एस एग्जाम क्लियर सो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जस्ट इस है बोल सकते हैं जैसे आप ठीक है स्पेलिंग कैसे है जस्ट इज जस्टिस ऐप जो है लॉन्च डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड द जस्टिस ठीक है तो अगर मैं इस ऐप की बात करूं अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट अब क्या चीज पे टारगेट कर रही है डिजिटलाइजेशन दि हमने कोविड के टाइम देखा कि क्या हुआ डिस्टर्पन्स कितनी सारी हुई तो डिजिटाइजेशन को क्या है और फास्ट पेस्ड जो है करने का जो है प्रोसेस शुरू हो गया ठीक है फर्स्ट चीज़ अगर कभी भी आपको पूछा जाए किसी भी एग्जाम में जस्टिस ऐप जो है ठीक है कौन से मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है सो डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ठीक है अब ये अलाउ क्या करता है जुडिशियल ऑफिसर्स को जैसे कि एडवोकेट्स होते हैं ठीक है या फिर और जो है हमारे जो जजेस होते हैं तो उनको क्या अलाउ करता है ये ए असेस लॉज रेगुलेशन एंड केस लॉज सबसे पहले तो वो लॉज को ही असेस कर ले है ना या फिर किसी रेगुलेशंस को या केस लॉज जो के uh, स्टडीज भी बोल सकते हो आप उनको एक्सेस करने में हेल्प करता है ठीक है बी ऑप्शन क्या बोलता है जजमेंट राइटिंग ठीक है तो क्या ये ऐप जजमेंट राइटिंग में भी हेल्प करता है नेक्स्ट देखिए सेमी ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स ठीक है सो ये ऐप जो है क्लियर इनमें से कौन से जो है फंक्शन करता है या फिर डी ऑल ऑफ दी अब राइट सो द करेक्ट आंसर इट इज डी ठीक है सारे ही ये जो ऐप है ना ये अलाउ करता है फंक्शन जस्टिस ऐप ठीक है कौन कौनसी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस राइट सो इट इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल ठीक है इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट जो टूल है उसको डेवेल्प किया गया ई जो मार्केट है ई गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं ठीक है उसी का एक जो है जस्टिस ऐप एक एग्जाम्पल है ठीक है सो so, इसमें आप क्या क्या अलाउ करता है ये देख लेते हैं एस करता है लॉज रेगुलेशन केस लॉस को एक्सेस कर सकते हैं

ठीक है जब भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं करेक्ट वर्ड करेक्ट को बहुत है, word, correct, correct, ऐसी को. है? तो क्या गया है इनकरेक्ट और कौन सी है? 23 और 24 के बजट में ठीक है ये स्पेसिफिक जो है अनाउंस किया गया था कि हम जो पीवी टीजीज हैं ठीक है, है? पर्टिकुलरली वर्ग लेबर ट्राइबल ग्रुप्स है इंडिया में कितने हैं 75 हैं ठीक है यूपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है उनकी एलिजिबिलिटी राइट तो जो पी वी हैं उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए जो है हम क्या है ओवरऑल वेलबिंग well के लिए ठीक है स्कीम लेके आएंगे सो दिस स्कीम इज अ स्टेप टूवर्ड्स दैट ओनली नवंबर में ही अभी ये फाइनलाइज हुई है स्कीम तो वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये कौन सी है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ठीक है या फिर पी जनमन ठीक है दोबारा देख लीजिए जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान सो so, ये जो जन मंथ स्कीम है ये किसको लेके टारगेट की गई है सबसे पहले जो है ये जो प्राइवेट पीवीटीजी थी हैं ठीक है, है? पर्टिकुलरली वलरवर ट्राइबल ग्रुप्स हैं ठीक है इंडिया की एटीन स्टेट्स में ठीक है सारी स्टेट्स में नहीं क्योंकि सभी स्टेट्स में ये जो ट्राइबल या जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो बोलते हैं वो नहीं है ठीक है तो एटीन स्टेट्स में इसको जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट राइट द पी एम जनमन इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या डिफरेंस रहता है सेंट्रल सेक्टर में हंड्रेड परसेंट जो फंड है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेट करती है सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड होती हैं उसमें सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में एक जो होता है क्या बोलते हैं हम एक रेशो डिसाइड होता है कि इतना सेंटर जो है फंड अलोकेट करेगी खर्चा करेगी और इतना जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इट एम्स टू फोकस ऑन द इलेवन क्रिटिकल इंटरवेंशन थ्रू दाइन मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बोला जा रहा है टोटल इलेवन क्रिटिकल इंटरवेंशन की जाएंगी ठीक है इन क्रिटिकल इंटरवेंशन की हम आगे भी बात करेंगे राइट और कितनी मिनिस्ट्रीज की बात की गई है नाइन मिनिस्ट्री और नोडल रोल निभाएगी वो मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स

ए ओनली बी ओनली सी या फिर ऑल आर द इनकरेक्ट राइट तो देखिए छोटी छोटी चीजों को चेंज करके जो है एग्जामिनर आपकी पूरी स्टेटमेंट्स को गलत कर सकता है न्यू स्कीम है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्लियर सो फर्स्ट इसकी जो स्टेटमेंट है ना सिर्फ वो है इनकरेक्ट इट इज नॉट अ से स्पॉन्सर्ड स्कीम अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी परसेंट सिक्सटी थ्री फोर परसेंट जो है ठीक है वो सेंटर जो है इसका फंड्स का जो बजट है रखेगी बाकी जो फोर्टी परसेंट थर्टी सिक्स टू फोर्टी परसेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है ठीक है वो जो है इसका फंड जो है एलोकेट करेंगी राइट बाकी

इसमें सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों ही तरह की स्कीम्स को क्या है इंप्लीमेंट uh, किया जाएगा सो दिस इज़ द काइंड ऑफ अम्ब्रेला स्कीम इसके अंदर कुछ छोटी छोटी स्कीम्स जो हैं ठीक है उनको सब्स्यूम भी किया जाएगा तो सेंट्रल सेक्टर भी रहेंगी स्कीम्स कुछ और कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी रहेंगी राइट right? एंड इसमें जो इंप्लीमेंट कौन कर रहा है अगेन मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स राइट इन कोलेबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड दीवी टीजी कम्युनिटी राइट द स्कीम विव टोटल आउटलेट ठीक है इस टोटल आउटलेट से हमें यह पता चलता है कि जो sharing cost की जो शेयरिंग कॉस्ट की रेशियो है दैट इज इन द सिक्सटी फोर टू थर्टी सिक्स सिक्सटी फोर जो परसेंट uh, है गवर्नमेंट बीयर करेगी फंड्स को थर्टी सिक्स स्टेट गवर्नमेंट राइट उसके बाद अब कौन सी इलेवन क्रूशियल इंटरवेंशन है तो जैसे कि पक्का हाउस हो गया रोड कनेक्टिविटी हो गई पाइप वाटर सप्लाई मोबाइल मेडिकल यूनिट्स ठीक है मोबाइल मेडिकल यूनिट्स क्या है कि लोकल स्मॉल लेवल्स पे भी जो है ट्रेवल uh, करने वाली मेडिकल यूनिट्स जो एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंच सकती नेक्स्ट हॉस्टल कंस्ट्रक्शन की जाएगी आंगनवाड़ी फैसिलिटीज होंगी स्किल डेवलपमेंट सेंटर होंगे सोलर लाइटिंग होगी और सोलर पावर ग्रिड्स भी होंगे ठीक है सोलर लाइटिंग भी होगी स्ट्रीट्स में सोलर पावर ग्रिड्स होंगे इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स ठीक है तो टोटल इलेवन इंटरवेंशन नाइन मिनिस्ट्रीज की हेल्प से सेंट्रल सेक्टर भी है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स पर्टिकुलरली अवेलेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है और कुछ स्कीम जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स को भी जो है टारगेट करेंगी राइट सो so, इस स्कीम को जरूर जरूर आपने अपने एग्जाम के लिए याद रखना है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम राइट क्वेश्चन सो डोराक टेक्निक की बात की गई है ठीक ठीक है, है है, कौन सी अ न्यू टेक्निक पोस्टमार्टम डज नॉट इंक्लूड द डायसेक्शंस क्विक ट्रांसपर्ट प्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन ट्रॉपिकल स्ट्रॉन्ग फॉरकास्टिंग या फिर अल्ट्रासाउंड असिस्टेंस परमेंटेशन मैथड राइट डॉक तो जो है ठीक है ड्वाक जो है एक नेम है अमेरिकन एक जो है हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट का ठीक है जिन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प किसमें की थी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उनकी फॉरकास्टिंग में राइट सो तो अब जो डवाक टेक्निक है इसका यूज़ किया जाता है ट्रॉपिकल स्ट्रॉम जो है फॉरकास्टिंग का एक मेथड है जिसको ड्वाक टेक्निक बोला जाता है क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ओरिजिन हो रहे थे तो ये स्कीम भी कहीं ना कहीं न्यूज में थी राइट सो तो ये एक अमेरिकन मेटेरोलॉजिस्ट थे डवाक राइट जिन्होंने इस टेक्निक को जो है डेवलप किया था क्लियर सो so, इसमें अगर बात करें तो फॉरकास्ट किया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को पर्टिकुलरली राइट उनके पैटर्न को देखा जाता है क्लाउड पैटर्न रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड डेवलपमेंट इंडिकेट ठीक है कि कहाँ से डिवेल्प होंगे क्लाउड पैटर्न को देख के ठीक है अगर आपने कभी मेटेरोलॉजी भी देखी है तो क्लाउड पैटर्न को दिखा के दिखाया जाता है यहाँ से प्रोसीड करेगा साइक्लोन देन यहाँ पे आके बहुत स्ट्रॉग हो जाएगा एंड उसके बाद जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा राइट सो so, डॉक टेक्निक जो है उसी के लिए यूज़ की जाती है राइट इस स्कीम को आपने इतना ही इस टेक्निक को याद रखना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में रही थी हमारे लिए राइट तो ये एक वाइटल कॉम्पोनेंट है जो कि वेदर वार्निंग वार्निंग्स को जो है जनरेट करने में हमें हेल्प करता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ठीक है अगेन एक इंपॉर्टेंट स्कीम पी एम विश्वकर्मा स्कीम ठीक है तो so, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट डज नॉट गो ज्वाइंटली राइट इंप्लीमेंट यहाँ पे वर्ड क्या है हमारा इम्प्लीमेंट इनमें से कौन सी जो है हम बात करेंगे मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है तो पी एम विश्वकर्मा को जो है इम्प्लीमेंट में हेल्प नहीं करता है राइट मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस पी एम विश्वकर्मा अगर स्कीम की बात करें ठीक है तो इसके आप एम समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए क्या है सबसे पहले है एक रिकोगनीशन देनी है ठीक है पीएम विश्वकर्मा जो है ये टारगेट करता है टोटल एटीन ठीक है हम क्राफ्टमैन की बात कर सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक स्कीम है जो प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है प्रोटेक्ट करने के लिए है क्राफ्टमैनशिप को ठीक है क्राफ्टमैनशिप को भी हो सकते हैं और हमारे जो स्मॉल हेल्पर्स होते हैं जैसे कि कॉबलर्स होते हैं गोल्ड स्मिथ है ठीक है इन सब के लिए स्कीम है फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रिकोगनीशन की जाएगी उनका एक आई कार्ड होगा सेकेंड इसमें किस चीज़ को एम किया जाता है कि स्किल हैनाहसिंग के लिए उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी ठीक है इसको ऐसे ही याद रखिए सबसे पहले क्या है उनको रिकोगनाइज करना है अब जब रेकोगेशन होगी क्लियर कि आप इस स्किल के लिए हैं क्या है है उनको और ट्रेन करना स्किल डेवलपमेंट के लिए हेल्प की जाएगी क्लियर उसके बाद क्या है उनको कुछ टूल किट को मॉडर्नाइज करने के लिए क्योंकि ट्रेनिंग जो है आप क्या है मॉडर्न बेस को लेंगे तो टूल किट को मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ जो है उनको क्या बोलेंगे स्टाइप एंड इंसेंटिव दिया जाएगा ठीक है फोर्थ क्या है टूल किट के एनहांसमेंट के बाद उनको क्रेडिट की भी फैसिलिटी दी जाएगी कि अब वो जो है अपना कार्य और बेहतर ढंग से कर पाए मार्केटिंग में भी उनको जो है हेल्प की जाएगी थ्रू ट्रेड फेयर्स ठीक है और उसके साथ साथ क्रेडिट दे दिया उनको मार्केटिंग में भी हेल्प कर दी ठीक है और उसके साथ साथ जो है उनको डिजिटाइजेशन की वो डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी जो है प्रमोट किया जाएगा ठीक so, है सो ये सिक्स एम्स हैं इनको हमें याद रखना है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के रिगार्डिंग अब इनमें से कौन सी वो मिनिस्ट्री है जो कि को ज्वाइंटली इंप्लीमेंट नहीं करती है सो आंसर वुड बी सी ठीक है बाकी की तीनों मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो कि कहीं ना कहीं नॉडल कही मिनिस्ट्री रही थी मिनिस्ट्री ऑफ स्ल डेवलपमेंट एंड इंड क्योंकि स्किलिंग के ऊपर भी हम ध्यान देंगे स्किल डेवलपमेंट राइट एंड डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्योंकि हम उनको क्या है फाइनेंस भी दे रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक बड़ा ही ऐसा मिनिस्ट्री है आप सोचेंगे हाँ ये तो होगी इंडस्ट्री से लेंगे राइट बट ये जो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट की ओर बात करते हैं सो तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो कहीं भी इसमें जो है एक इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री नहीं है क्लियर है थोड़ा सा और जो है स्कीम के रिगार्डिंग हम देख लेंगे सो द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ठीक है मिनिस्ट्री देख ली सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है ये भी देख लिया ऑफर क्या, क्या क्या करेंगे ये ठीक है सो मार्केट लिंकेजेस ठीक है लास्ट स्टेप था मार्केटिंग लिंकेजेस स्किल ट्रेनिंग ठीक है इंसेंटिव दिए जाएंगे डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए ठीक है टू द एंड द आर्टिस पीपल एंगेज इन अ स्पेसिफिक ट्रेड क्लियर सो अभी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है दैट इज फाइव ईयर 2023 24 से शुरू हो गई 27 28 तक होगा दिस इज अ पॉइंट जो एग्जामिनर आपको बिल्कुल एग्जाम में स्टेटमेंट के तौर पे पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकता है ठीक है सो so, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम पीरियड क्या है स्कीम का 2023 24 से 27 28 5 इयर्स के लिए करेंटली ये स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया है सेंट्रल स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस राइट ये रख लिया हमने नेक्स्ट देखिए ठीक है सो आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपल को क्या है सबसे पहले मैंने क्या बोला था इसमें एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड होगा उनको रिकोगनाइज करने के लिए क्लियर उसके बाद इट इज़ अवेलेबल फॉर द रूरल एज वेल एज अर्बन आर्टिसन क्राफ्ट मैन ठीक है जैसे कि एटीन ट्रेडिशनल क्राफ्ट होंगे बोट मेकर आमरर ब्रैक स्मिथ कॉबलर ठीक है हेमर टूल किट हो गया एंड गोल्ड स्मिथ भी हो जाते हैं ठीक है थीके? तो इन सबको जो है ये स्कीम uh, जो है उनके लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी राइट सो इस स्कीम को हमने क्या है अपने एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखना है Teams को अच्छे से देखिए एच ने लास्ट टाइम भी काफ़ी से क्वेश्चन जो है पूछे थे क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑफ द द द फॉलोइंग फॉलोइंग विद मेन एंड आर करेक्टली मैच ठीक है तो कौन कौन से ऑपरेशन से उनका एम क्या था कौन से करेक्टली मैच है ये बताना है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जिसमें लॉस्ट चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया ऑपरेशन नार्कोस जिसमें ड्रग क्राइम जो है उनको कॉम्बैक्ट किया गया या एंड ऑपरेशन तक जिसमें क्रैकिंग डाउन ऑफ दउ तो एक छोटी सी बात बोलती हूँ ये सारे ही ऑपरेशन जो है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हैं ठीक है सो so, रेलवे से जुड़े हुए ये ऑपरेशन हैं ठीक है एंड फर्स्ट बिल्कुल सही है रेस्क्यूंग लॉस्ट चिल्ड्रन के लिए है सेकेंड भी बिल्कुल ठीक है नार्को जो है ड्रग क्राइम्स को रोकने के लिए है बट थर्ड ठीक है ये गलत है तर्क जो है ठीक है इट इज नॉट फॉर क्रैकिंग डाउन द दू इीगल मिडलमैन बन जाते हैं रेलवेज में टिकट बेचने के लिए उनको क्रैक डाउन करने वाला जो तर्क है ये ऑपरेशन नहीं था तो आंसर क्या हो गया ए एंड बी आर करेक्ट ठीक है वन एंड थ्री ठीक है ए एंड बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके सो so आंसर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच ओनली ए एंड बी क्लियर थोड़ा थोड़ा इन ऑपरेशन को देख लेंगे फर्स्ट नन्हे परिश्ते है इसमें काफी जो चिल्ड्रन है वो हो जाते हैं so, फर्स्ट जो है, उन्हीं जो, जो, में वो जो मिडल है उनको ट्रैक डाउन किया जाएगा क्लियर उसके बाद ड्रग क्राइम्स हो रहे हैं जो भी ड्रग की ट्रेडिंग हो रही है थ्रू रेलवे उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन नार्कोस एंड लास्टली ऑपरेशन सतर्क जो कि इलिगल गुड्स के ट्रेड को जो है रोकेगा ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अगेन पीआईबी में इसके रिगार्डिंग काफी जो है हम बोलते हैं प्रशंसा योग्य इनकी बात की गई थी so, ये ऑपरेशन देख लेने एग्जाम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है सिक्स क्वेश्चन में दी गई है स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ स्कीम स्कीम है प्रसाद ठीक है फोर प्रोजेक्ट्स अंडर द प्रसाद दैट इज पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ड्राइव स्कीम फॉर द जो हरियाणा है इसमें फोर प्रोजेक्ट्स को क्या है अप्रूव किया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द प्रसार स्कीम इन दिस ईयर ट्वेंटी फोर्टीन फिफ्टीन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ठीक है सो कौन सी इनमें से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है वन ओनली टू बोथ या फिर नन ठीक है सो तो इसकीम की मैं बात करती हूँ जो प्रसार स्कीम है इसमें यह चीज को फोकस किया गया कि जो टूरिज्म है ठीक है रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए दैट इज टू इन अ सस्टेनेबल वे क्योंकि हमारे पास बहुत रिलीजियस सेंटर्स हैं अब उनको जो है अगर डेवलप करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म सो इट विल हेल्प इन इंडिया इन द डेवलपमेंट ठीक है हमें वहाँ से क्या है कहीं ना कहीं जो फॉरेक्स भी आता है क्लियर और हमारी जो हम क्या बोलते हैं गुडविल भी इम्प्रूव होती है तो ये प्रसाद स्कीम जो है इसी के लिए लाई गई थी और दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है इसकी बिल्कुल इनकरेक्ट है आंसर हमारा हो जाएगा डी

प्रोजेक्ट uh, जो है अप्रूव किए गए हैं ठीक है थीके? तो वो कौन कौन से है एक बार उनको हम देख लेंगे फर्स्ट है नॉन्सुल्लाई ठीक है एक चर्च है जो कि प्रिबिस्टेरियन चर्च है नागत्यंग शक्तिपीठ एतनारपुर एंड चरण चरन तला काली टेम्पल ठीक है यह हंड्रेड परसेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बट कहीं कहीं सी एस आर इम्प्लीमेंटेशन में इसे पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट में हरियाणा देख के हमें उसको करेक्ट ऑप्शन मार्क बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है इस चीज को हमें क्या है ध्यान में रखना है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 15th ऑफ नवंबर द डेट विच जन गौरव दिवस सेलिब्रेटेड 2021 में इसको जो है क्या है इन हम बोल सकते हैं

ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है उन्होंने अपना सेक्ट भी एक शुरू किया था काफी रेजिस्टेंस दिखाई थी तो ट्राइबल जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे उनकी याद में ही ऑफ नवंबर को जो हमारा जनजातीय गौरव दिवस है ये कमेमोरेट किया जाता है क्लियर है तो इस डे को आपने याद रखना है कौन से फ्रीडम फाइटर से जुड़े हुए हैं उनको भी आपने थोड़ा एम्फोसिस दे के रिवाइज करना है राइट एट्स क्वेश्चन देखिए अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट था करेक्ट द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना इस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राइट सेकंड स्टेटमेंट व्हीट हैज बीन अलोकेटेड टू सिक्स स्टेट पंजाब हरियाणा राजस्थान चंडीगढ़ दिल्ली गुजरात एंड बाकी की जो स्टेट्स हैं राइस हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम सो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना कोविड के टाइम में 2020 के टाइम पे आई थी ठीक है जिसमें ओवर एंड अबव जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बहुत ही मार्जिनल रेट पे जो राइस एंड बीट सप्लाई किया जाता था उसमें हमने एडिशन किया था कि फाइव के जो है वो बीट दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट ठीक है बाद में इसको मर्ज कर दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना को एंड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड अभी के लिए टू से

डिफरेंट फेजेस की बात की गई है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत थी जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ठीक है ये जो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ठीक है आत्मनिर्भर भारत के अंदर तो सप्लाई फ्री फूड ग्रेन्स टू द माइग्रेंट्स एंड द पुअर जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी ठीक है एंड क्यों न्यूज में रही थी क्योंकि ये फाइव इयर्स के लिए एक्सटेंड की गई है जनवरी वन ट्वेंटी से ठीक है ये कुछ और उसकी टर्म्स हैं जिसको आप जो है हमारी पी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे पोर्टल से और इन सभी जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट उनको भी आप जो है जरूर रिवाइज कर सकते हैं राइट right, अभी नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही एक्सरसाइज एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास। तो ये कौन कौन सी आर्मीज के बीच की जाती है ठीक है युद्ध अभ्यास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश इंडिया एंड श्रीलंका इंडिया एंड फ्रांस एंड इंडिया एंड यूएस ठीक है सो आई होप यू ऑल नो दैट दिस इज द बाई लिटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड दू एस इस साल ये यूएस में हुई थी ठीक है अल्टरनेटिवली इंडिया एंड जो है इस एक्सरसाइज को होस्ट करते हैं है है 2014 से एक्सरसाइज होती आ रही है. बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपने कभी भी गलती नहीं करनी है एवरी वन एल्स विल डू इट राइट तो अगर आप गलत करेंगे तो आप नेगेटिव मार्क्स ले लेंगे राइट right? सो so ये जो एक्सरसाइज है इसको भी आपने एग्जाम के लिए याद रखना है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Uh, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ठीक है ये इंडिया का फिफ्टी फोर टाइगर रिजर्व बना है ठीक है सो फिफ्टी फोर्थ टाइगर रिजर्व इन इंडिया या फिर रिसेंटली डिक्लेयर्ड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है तेलंगना आंध्र प्रदेश कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश क्लियर तो so एक छोटा सा हिंट देती हूँ ये है हमारी टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया ठीक है आंसर so क्या है हमारा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन यहाँ के हमें रिजर्व में देखने को मिलती है एंड ये जो रिजर्व है हमारा मध्य प्रदेश का सेवंथ टाइगर रिजर्व बनेगा इंडिया का फिफ्टी फोर्थ राइट तो टाइगर स्टेट बोलते हैं एंड ये जो है ठीक है ये रिक्नाइज uh, करता है इको सेंसिटिव जो जोन है ऑफ द नौरा दही एंड वीरांगना दुर्गावती सेंचुरीज है इन दोनों के जो जोन्स हैं उसको इंक्लूड करता है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स भी जो हैं जैसे कि नर्मदा एंड आ, यमुना इन दोनों की जो रिवर्स हैं ठीक है थीके? ये भी इस जो हमारा न्यू टाइगर रिजर्व है दैट इज द दुर्गावती टाइगर रिजर्व बिनामगिना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इसमें से पास करती हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो काफी न्यूज में है एंड ऐसे क्वेश्चन को हमें मिस नहीं करना है राइट सो आई होप यू रिवाइज वेल योर करंट अफेयर इन दिस सेशन तो उसके साथ साथ अब रिविजन हो रही है तो हमें ज़रूरत है प्रैक्टिस की एंड उसी प्रैक्टिस के लिए अभिमन्यू आई एस सब आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आया है राइट सो so ये टेस्ट सीरीज़ है कंप्लीट एच एस प्रिपरेशन के लिए ट्वेंटी सिक्स आपको इसमें टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें फोर जनरल स्टडीज़ के टेस्ट हैं फोर कम्पलीट सी के टेस्ट हैं और बाकी के जो रिमेनिंग टेस्ट हैं वो है हमारे सेक्शनल टेस्ट क्लियर सो सिर्फ सिक्सटी फाइव हंड्रेड में आप भी इन टेक्स्ट जो है टेस्ट है इनको अवेल कर सकते हैं जिसमें आपको सबसे बेस्ट मैं चीज़ हमें क्या बताती हूँ टेस्ट के बाद जरूरी है एनालिसिस सिर्फ टेस्ट नहीं देना है एनालिसिस करना है वो आपको हमारे पोर्टल पे ऑटोमेटिक मिलता है दैट इज टू टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सारा आपके सामने आ जाएगा कि कहाँ आपकी प्रिपरेशन में कमी है ठीक है अगर आपको लगता है कि ठीक है इसकी मुझे नहीं रिक्वायरमेंट तो एक और हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है जो कि है हरियाणा जीके की ठीक है so, सो हरियाणा जीके से भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे सिर्फ फोर हंड्रेड में जो है आप अपने टेस्ट सीरीज जो है इसको अवेल कर सकते हैं और हरियाणा जीके को और भी अच्छे बेहतर ढंग से रिवाइज कर सकते हैं राइट सो डू चेकआउट दैम और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू कीजिए और अच्छी एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर राइट थैंक यू सो मच कीप लर्निंग एंड सी इन द नेक्स्ट सेशन